मैं नहीं मानता हूं। तो वो जो बच्ची अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी वो आपकी दृष्टि में गलत काम कर रही थी, मैं आपके सामने आपकी बात का इन्फ्रेंस निकाल रहा हूं, और जो लड़के उसके पीछे हुड़दंग कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। आप ये आपका इन्फ्रेंस हो सकता है, मेरा नहीं है। मैंने तो इस हद तक कहा, लेकिन मीडिया की प्रॉब्लम ये है कि आदमी कुत्ते के काट खाए तभी न्यूज बनती है। जब तक आप शब्द मेरे मुंह में रखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आप अच्छे एंकर हैं, तो इसलिए आप मेरे मुंह में शब्द रख रहे हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है कि आपसे मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है। मैं जीत नहीं मैं सकता तो कह रहा हूं, मैं आप अनुभव में प्रैक्टिस में बड़े आदमी है, स्कॉलर है, वकील है, मैं नहीं जीत सकता हूं आपसे। लेकिन मैं जानना चाह रहा था वो जो लड़कों ने किया, मैं आपसे एक इकलौती लड़की को देख के, क्या वो जायज हो सकता है? नहीं, आप नहीं, नहीं, जानना अलग बात है, और ये कहना कि मैं ये आपकी बात से इन्फेरेंस निकाल रहा हूं, तो मुझे बालिक ने क्षमता दी है कि मैं अपनी बात को सफाई से कह सकूं, मुझे आपकी सहायता की जरूरत नहीं है कि आप इन्फेरेंस निकालें। मैंने कहा है जिसको ये शरीयत कहते हैं वो इंसानों का लिखा हुआ कानून है। मेरे नजदीक शरीयत कुरान है, और जो वो इंसानों का लिखा हुआ कानून है जो हिजाब की बात कर रहा है वो साथ में ये भी कह रहा है कि लड़की की औरत की आवाज किसी को सुननी नहीं चाहिए, आवाज का भी पर्दा है। वो ये भी कह रहा है कि मुसलमान किसी ऐसी जगह नहीं रह सकता जहां पर शरीयत वो इंसानों की मतलब जहां मुस्लिम हुकूमत ना हो, तो अब उन्हें फैसला करना चाहिए कि आप सेलेक्टिव रहेंगे, एक चीज मानेंगे बाकी नहीं मानेंगे, ये आपके फैसला करने का काम है। मैं कौन हूं किसी को कुछ कर? और जिन्होंने अगर नारे लगाए वो तो वहां पे मोर्चे बने हुए हैं, एक तरफ एक मोर्चा है दूसरी तरफ दूसरा मोर्चा है, एक ने नारे लगाए दूसरे ने भी लगाए होंगे, और मैं अगर होता तो मैं डेफिनेटली लड़की के नारे के जवाब में किसी अगर मैं मौके पे मौजूद होता मैं कहता हरगिज नारा मत लगाओ। ABP News आपको रखे आगे।